नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स यानी जो फल के पेड़ होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स लगते हैं जो ज़मीन से चढ़कर फिर ऊपर जाते हैं पेड़ पे, जैसे चींटी हो गई और भी ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए, आज वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। वैसे तो इसके लिए ट्री बाइंडिंग की जाती है। ट्री बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जो तना का मुख्य भाग होता है, नीचे वाला पोर्शन, वहाँ पर एक पॉलीथीन या कुछ कपड़े का पार्ट लपेट कर उसके बाद उसके ऊपर हम ग्रीसिंग कर देते हैं, जिससे जो भी चढ़ने वाले इंसेक्ट होते हैं जैसे चींटी हो गई तो वो जाके उस पर फिर फंस जाता है और वो उससे ऊपर नहीं जा पाता। तो इसकी क्या क्या उपाय करते हैं, मतलब कौन कौन से तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि चींटियाँ देखिए यहाँ पर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये सारी चींटियाँ चढ़ रही हैं। बहुत छोटे छोटे चींटियाँ भी हैं और यहाँ पे देखिए एक बड़ा वाला चींटी है। ये सब देखिए बहुत अच्छे, यहाँ पे भी है, देखिए एक यहाँ पे टहल रहा है। ये देखिए इन चीज़ों को बचाने के लिए हम ट्री बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ट्री बाइंडिंग में सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये वाला जो मुख्य पार्ट है इतना, ये वाला पार्ट, या फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ से ब्रांचेस डिवाइड है। अगर हम यहाँ करेंगे तो हमें हर ब्रांच पे एक एक स्टिकी टैप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी ट्री बाइंडिंग के लिए यहाँ पे एक बैंड लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इससे क्या है कि ये मुख्य तना है ना, मुख्य तना का डिवाइडिंग पार्ट है, तो ये इस पे लगा देंगे तो इधर वाली ब्रांचेस पे जितने भी चींटियाँ जा रही हैं वो यहीं पे रुक जाएंगी, इस पे लगाएंगे तो यहाँ पे रुक जाएंगी और इस पे लगाएंगे तो यहाँ पे रुक जाएंगी। लेकिन ये अगर यहाँ पे लगा दिए तो हमें और कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या करेंगे सबसे पहले। तो देखिए इधर सबसे पहले हम एक पॉलीथीन का टुकड़ा लेंगे जो कि अच्छे तरीके से उसको काट लेंगे बिल्कुल लेंथ और लंबाई में, लेंथ और साइज में। उसके बाद इसको हम यहाँ पे रैप करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ऐसे लगाने के बाद हम इस पे किसी रस्सी की सहायता से इसको हम बांध देंगे। ठीक है, इसको रस्सी की सहायता से बांध देंगे, फिर उसके बाद इस पर हम ग्रीस लगा देंगे जिससे कि क्या है कि वो चींटियाँ वगैरह इस पर आके फंस जाएंगी और वो ऊपर फिर नहीं चढ़ पाएंगी। तो इतना सब करने के बाद इस चीज़ से आप छुटकारा पा सकते हैं। पोर्ट वाला लगाएंगे तो दोस्तों फिर हम लेंगे मोबीलाल और ग्रीस। तो अभी मेरे पास मोबीलाल है तो मैं इसको लगाकर एक बार ट्राई करता हूँ, अगर इससे काम नहीं बनता है तो फिर मैं इस पे लाके ग्रीस को लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि चींटियाँ जो होती हैं वो जाके जो फ्रूट बर्ड्स होते हैं उनके रस को चूसती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर भी रस को चूसती हैं, तो इससे बहुत सारा हानि होता है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको धीरे धीरे इस पर अप्लाई करेंगे और एक सावधानी ये रखेंगे कि कभी भी मोबिल ऑयल या फिर ग्रीस को डायरेक्ट तने पे नहीं लगाएंगे। जब भी लगाएंगे किसी न किसी पॉलीथीन को रैप कर देंगे उसके बाद तने पर, तब जाके ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। इससे क्या है कि आपका तना जो है ना वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, अब जो चींटियाँ आएंगी इसी में फंस जाएंगी और इसके बाद ऊपर नहीं जा पाएंगी, और जो पहले से ऊपर चढ़ी हुई हैं उनके कंट्रोल के लिए हम हल्का सा कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देंगे।
घर वाला हो गया ना पूरा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं चींटियों का आवागमन बिल्कुल रुक चुका है। अब ये सॉइल से तने पर या फिर पेड़ पर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि हमने ट्री बैंडिंग को अप्लाई कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की जो चींटियाँ हैं वो फिर से ऊपर की ही तरफ जा रही हैं, अब वो सॉइल पे नहीं आ रही हैं, और सॉइल की जो चींटियाँ हैं वो ऊपर नहीं जा पा रही हैं। तो इससे क्या है कि ये चींटियों से हमारा पेड़ सुरक्षित रहेगा, या और भी जो इंसेक्ट हैं सॉइल से तने पर चढ़े जाती हैं, फिर उसके बाद वहाँ से जाके हमारे फलों को नुकसान पहुँचाती हैं, तो इनसे हमें सुरक्षा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और ये तरीका आपको पसंद आया चींटियों को रोकने का, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो @agrihindustan को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो @aminiku01 आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज और हमारे पर्सनल अकाउंट को भी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टेक्निक के साथ।